अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट की क्वेरी पर काम करेंगे। तो कमेंट बना देते हैं अपडेट स्टूडेंट, और यहाँ पे एक राउटर बना लेंगे, राउटर डॉट पुट मेथड, और ये है पुट। पुट की मदद से हम अपडेट करते हैं, और कुछ लोग पैच का भी यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पुट का इस्तेमाल करने वाले। और यूआरएल बना लेंगे अपडेट कोलन आईडी, सो आईडी डायनेमिक रहेंगे, इसके बेस पे हमको अपडेट की क्यूरी को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। चलिए एक कंट्रोलर फंक्शन भी बना लेंगे, यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ अपडेट स्टूडेंट, और एक फंक्शन बना लेंगे कॉन्स्ट अपडेट स्टूडेंट इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे कॉपी। यहाँ पे इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ सेव, चलते हैं राउट्स के अंदर, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देंगे अपडेट स्टूडेंट। सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली कंट्रोलर भी इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, और इस फंक्शन को भी हम क्या करेंगे, एसिंक कर लेंगे, और कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इससे भी हम रिसीव करेंगे। साथ ही में ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे हम यहाँ पर एरर को, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। उसके बाद में रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे इसमें हम, फॉल्स, मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, सो मैसेज एरर इन अपडेट स्टूडेंट एपीआई, और जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे। तो एरर ऑब्जेक्ट भी हमने इसमें पास करा दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर जो है ना अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसमें हमको क्या चाहिए, सबसे पहले आईडी भी चाहिए, तो आईडी को हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर, या डिस्ट्रक्चर के बदले एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर देंगे, स्टूडेंट आईडी इक्वल टू, फिर हम रिक्वेस्ट का यूज करेंगे, फिर उसके अंदर हमारे पास रहेगा पराम्स और फिर आईडी। ये आईडी और राउट्स के अंदर जो आपने नाम लिखा है वो दोनों सेम होना चाहिए। अब इसका वैलिडेशन देख लेंगे, इफ नॉट स्टूडेंट आईडी, अगर स्टूडेंट आईडी नहीं मिलती है तब क्या करो, यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404, और सेंड फंक्शन इसके अंदर कॉल कर लेंगे। इसमें हमको क्या करना है, सक्सेस कर देना पहले शुरू फॉल्स, और एक मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, इनवैलिड आईडी और प्रोवाइड आईडी, ये एरर मैसेज हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके बाद में देखिए अपडेट क्या क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें भी हमको चाहिए। तो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसमें हम क्या करेंगे, नेम ऐड कर देंगे, साथ ही में हमको रोल नंबर चाहिए, इसके बाद में रोल नंबर, फिर हमारे पास था फीस, और उसके बाद में था मीडियम, और मीडियम को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद में इसका भी वैलिडेशन आप कर सकते हैं, या फिर रहने देते, वैलिडेशन की इसमें खास जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एग्जीक्यूट कर लेंगे हमारी क्यूरी को। तो कॉन्स डेटा इक्वल टू अवेट कर लेंगे, फिर हमारे पास है डीबी डॉट क्यूरी मेथड, इसके अंदर हम क्या करेंगे बैकटिक का यूज कर लेंगे, आप सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, अपडेट का क्यूरी एग्जीक्यूट करने वाले, इसीलिए आप लिखेंगे अपडेट, इसके बाद में टेबल का नाम स्टूडेंट, फिर उसके बाद में सेट, सेट में हमको क्या करना है, नेम, उसके बाद में हमारे पास है रोल नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर फीस को ऐड कर देंगे फीस, उसके बाद में हम यहाँ पर मीडियम का यूज कर लेंगे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसको मिनिमाइज कर देते हैं थोड़ा सा साइड बार को, ताकि पूरा हमको दिखाई दे। अब यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया, अब हमको क्या बताना है कौन से बेस पे आप जो इसको अपडेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे वेल आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हमको क्या करना है, सारी चीजों को पास कराना है, तो यहाँ पे कॉमा लगा के आप लिखेंगे एरे, और इस एरे के अंदर हम क्या करेंगे नेम को पास करा देंगे नेम, फिर हमारे पास है रोल नंबर, उसके बाद में हमारे पास है फीस, और फिर उसके बाद में है मीडियम, और साथ ही में हमको चाहिए स्टूडेंट आईडी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर डेटा यहाँ पर नहीं बनता है तो एक वैलिडेशन बता देंगे इफ नॉट डेटा, इसके अंदर हम क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे रिटर्न रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, सेंड फंक्शन सक्सेस, इसमें हम कर देंगे कॉल, और एक मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे मैसेज एरर इन अपडेट डेटा। इसके बाद में डायरेक्ट हम यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ रेस डॉट स्टेटस 200, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, यहाँ पे हम क्या करेंगे सक्सेस कर देंगे ट्रू, और इसके बाद में यहाँ पर एक मैसेज ऐड करेंगे मैसेज स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर फंक्शन बन चुका है, अब इसको हमको टेस्ट करना है।
चलते पोस्टमैन में, और एक और यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, और इसको हम कर लेंगे अपडेट। क्रिएट वाला यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। मेथड अपना रहेगा पुट, और यहाँ पर क्रिएट के बदले रहेगा अपडेट, उसके बाद में आईडी। पहले शुरू तो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। गेट ऑल स्टूडेंट को मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए 5 रिकॉर्ड्स हैं और 1 वाला टेक इन्फो वाईटी है, तो इसको हम अपडेट कर लेंगे। 1 पर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड बता रहा है, हालांकि इसमें कुछ भी डेटा हमने ऐड नहीं किया हुआ है, देख सकते हैं आप। सो मेक श्योर इसका वैलिडेशन आप अपने हिसाब से ऐड करें, मैंने इसको टेम्प्रेरी जो है यहाँ पर नहीं लिखा है। एक बार हम क्या करेंगे, डेटाबेस चेक कर लेंगे वापस से, चलते हैं ऑल स्टूडेंट में सेंड, तो देखिए यहाँ पर वैलिडेशन परफॉर्म नहीं किया, तो क्या हो गया, सब कुछ नल हो गया। सो मेक श्योर आप अपने हिसाब से ट्राई करें, इतना कुछ हार्ड नहीं है, तो मेक श्योर इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लें। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और अपडेट में क्या करेंगे, बॉडी, रॉ डेटा और जेसन, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। आईडी इसको कर लेंगे 1, नाम इसका कर लेंगे वापस से टेक इन्फो वाईटी, रोल नंबर भी कर लेंगे इसका 1, फीस सेम रखते हैं, बाकी सब कुछ सेम कर लेंगे। अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड, और यहाँ पर वापस से हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेंगे सेंड, तो देखिए वापस से हमारे पास डेटा अपडेट हो चुका है। तो ये बेसिक प्रोजेक्ट है, तो ज़्यादा हम अपडेट के ऊपर अभी काम नहीं करेंगे, बेसिक क्रड कुछ इस तरीके से किया जाता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई डिलीट रिक्वेस्ट ट्राई कर लेंगे, तो डिलीट तो सबसे ईजी है, एक कमेंट बना लेंगे डिलीट स्टूडेंट, और यहाँ पर हमने मेथड ऐड नहीं किया ना कमेंट में, सो ऊपर वाला था पुट, और ये वाला जो रहेगा ये रहेगा डिलीट। सो यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर डॉट डिलीट, डिलीट के अंदर यूआरएल पैटर्न आप रख सकते हैं डिलीट स्लैश कोलन आईडी, डायनेमिक आईडी के बेस पे हम यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कंट्रोलर के अंदर आप क्या करें, नीचे एक और कमेंट बना ले पहले शुरू यहाँ पे, और मैं लिख लेता हूँ डिलीट स्टूडेंट, और एक फंक्शन बना लेंगे कॉन्स्ट डिलीट स्टूडेंट इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, और नीचे यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको, और राउट के अंदर इंपोर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिलीट स्टूडेंट, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली टॉप पर ये इंपोर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ये इंपोर्ट हो गया, सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस स्टूडेंट कंट्रोलर में, और इस फंक्शन को हम कर लेंगे एसिंक फंक्शन, और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऐड कर देंगे, उसके बाद में फिर ट्राई कैच लॉग, कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, उसके बाद में रिस्पॉन्स रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस फॉल्स, उसके बाद में मैसेज, और यहाँ पे हम लिख लेंगे एरर ए डिलीट स्टूडेंट एपीआई, और उसके बाद में जो भी एरर ऑब्जेक्ट है उसको पास करा देंगे। अब ट्राई में हमको क्या करना है, स्टूडेंट की आईडी को गेट करना है, सो कॉन स्टूडेंट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पराम्स डॉट आईडी, पैरामीटर में से हमको आईडी मिलेंगी, इसका एक वैलिडेशन यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे, इफ नॉट स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे हम, अगर हमको आईडी नहीं मिलती है तब विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस 404, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड में सक्सेस कर देंगे हम फॉल्स, एक मैसेज ऐड कर देंगे यहाँ पर, प्लीज प्रोवाइड स्टूडेंट आईडी और वैलिड स्टूडेंट आईडी, ये मैसेज हम यहाँ पर परफॉर्म कर लेंगे। इसके बाद में डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वेट कर लेंगे, और फिर डीवी डॉट क्यूरी, क्यूरी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन बैकटिक का यूज कर लेंगे, तो बैकटिक आप सिंगल कोट्स डबल कोट्स यूज कर सकते हैं, हम क्या करेंगे डिलीट कीवर्ड यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, तो हमारे केस में स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में वेयर क्लॉज, और फिर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में यहाँ पर कॉमा, और फिर एरे के अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट आईडी को यहाँ पर पास करा देंगे, उसके बाद में डायरेक्ट रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, फिर सेंड कर देंगे सेंड, सेंड में यहाँ पर सक्सेस कर देंगे ट्रू, और एक मैसेज ऐड कर देंगे स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज हमने ऐड कर दिया, सेव कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर बन चुका है। चलते वापस पोस्टमैन में,
एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, और इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट। इसका मेथड भी रहेगा डिलीट, और यूआरएल में अपडेट वाला कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट कर लेंगे। अपडेट के बदले हमारे पास है डिलीट, और फिर डिलीट किसको करते हैं एक बार देख लेते हैं, हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, 5 रिकॉर्ड्स हैं, तो इस जॉन वाले को हम डिलीट कर देते हैं, तो इसका जो आईडी है वो है 5, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 5। एक बार हम क्या कर लेंगे, बिना आईडी के देख लेंगे एक बार, सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए 404 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आईडी नहीं है ना, तो आईडी कोई भी मैं रैंडम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से ट्रंकेट का जो है एरर शो करेगा। अगर इसको भी आपको हैंडल करना है तो फिर आपको मिडलवेयर इसमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे वो बाद में हैंडल कर लेंगे, क्योंकि इतना कुछ खास प्रोजेक्ट नहीं है, बेसिक क्रड ऑपरेशन है। नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, एक प्रोजेक्ट इसके अंदर देख लेंगे, तो वहां पे ये सारी चीजें हम मैनेज करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपल कर लेता हूँ आईडी ऑफ 5, और अब हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक करके ट्राई करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। एक बार चेक कर लेंगे वापस से, यहाँ पे अभी भी 5 रिकॉर्ड्स है। अब वापस से मैं गेट ऑल की रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो देखिए टोटल काउंट ऑफ 4, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ से जॉन रिमूव हो गया। तो परफेक्टली हमारी डिलीट की एपीआई भी काम कर रही है। तो यहाँ पर हमने बेसिक क्रड ऑपरेशन इसमें कंप्लीट कर लिया, हमने सारी चीजें यहाँ पर माई सिक्वल डेटाबेस के साथ में देखी। आई होप आपको समझ में आया होगा।